देवभूमि उत्तराखंड अपने आप में ही हजारों रहस्यों और धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है, जिसमें से आज हम आपको झिलमिल गुफा के रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं, जो कि रहस्यों से भरी हुई है। पौराणिक कथाओं में इस गुफा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि सतयुग में स्वयं गुरु गोरखनाथ जी ने इस गुफा में रहकर 66,000 मंत्रों को सिद्ध किया था। नवरात्रों के समय आज भी यहां पर शेर आता है। झिलमिल गुफा के सभी रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत और पब्लिक आई टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको नीलकंठ महादेव मंदिर से माता पार्वती मंदिर की यात्रा कराई थी, वहीं आज की इस वीडियो में हम आपको माता पार्वती मंदिर से झिलमिल गुफा की यात्रा कराने वाले हैं। अगर आप भी माता पार्वती के मंदिर से झिलमिल गुफा जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप अपनी बाइक से भी जा सकते हैं या फिर पैदल भी जा सकते हैं। मैं आपको कार से जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि लैंडस्लाइड एरिया है, बीच बीच में रास्ते में पत्थर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा ही रहता है कि बीच बीच में हल्की और तेज़ बारिश रहती है, जिसकी वजह से रास्ता क्रैक भी हो जाता है। दोस्तों, झिलमिल गुफा एक प्राचीन गुफा है, जिसका जिक्र हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में भी आता है। इस गुफा का जो महत्व है वो बाबा गोरखनाथ जी से जुड़ा है। चलिए पहले हम झिलमिल गुफा पहुँच जाते हैं, फिर जानेंगे इस गुफा के रहस्य के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी झिलमिल गुफा पैदल जाना चाहते हैं तो करीब 3 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। बीच बीच में थोड़ा जंगल का भी रास्ता आता है। जब मैं पिछली बार झिलमिल गुफा गया था तो मैं पैदल ही गया था, आराम से चलते चलते काफ़ी समय लग गया था। दोस्तों, मैंने उस समय भी झिलमिल गुफा के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने झिलमिल गुफा की पूरी कहानी को विस्तार से समझाया हुआ है। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस दौरान मैं माता पार्वती के मंदिर से झिलमिल गुफा तक पैदल ही गया था, और आज मैं स्कूटी से झिलमिल गुफा जा रहा हूँ, ताकि आपको भी पता लगे कि अगर आप बाइक या स्कूटी से झिलमिल गुफा जाना चाहे तो रास्ता कैसा है। ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर दूर और नीलकंठ महादेव मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है झिलमिल गुफा। दोस्तों, बीच बीच में रास्ता देखिए कितना डेंजर है। यहाँ पर पूरे रास्ते में पत्थर पड़े हुए हैं, बड़ी मुश्किल से ऊपर तक जाया गया है। फाइनली अब हम उस जगह तक पहुँच चुके हैं जहाँ तक बाइक या स्कूटी जा सकती है। देखो, ये यहाँ का पार्किंग एरिया है, जहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगता है। अब यहाँ पर ये सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ है, जिस पर झिलमिल गुफा मार्ग भी लिखा हुआ है। यहाँ से झिलमिल गुफा तक पैदल ही जाना होगा, जिसमें हमें 10 मिनट का समय लग जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से पैदल और अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। थोड़ा आगे चलने पर यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर भी आता है। इस मंदिर में आप हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से थोड़ा और आगे की ओर चलेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ दुकानें भी देखने को मिलेगी, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको चाय, बिस्किट, पकौड़ी, कोल्ड ड्रिंक आदि का नाश्ता भी मिल जाता है, क्योंकि काफी दूर दूर से यात्री पैदल चलकर इस गुफा में आते हैं, जिनके लिए यहाँ पर नाश्ते की भी सुविधा उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भांग की पकौड़ी भी मिलती है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं खाया है। ये आसपास के गांव के ही लोग होते हैं जिनकी ये दुकानें होती है। तो दोस्तों, फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं झिलमिल गुफा। आप देख सकते हैं कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये एक बहुत ही प्राचीन पहाड़ है, उसी के अंदर ये गुफा बनी हुई है, और यहाँ पर आप कुछ साधु महात्मा को भी देख सकते हैं जो यहीं पर रहते हैं, और यहाँ की पूजा पाठ और देखरेख यही महात्मा और साधु संत करते हैं। इस गुफा में ऊपर आप एक गोलाकार छेद देख सकते हैं, और ठीक बिल्कुल इसके नीचे आप एक गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा भी देख सकते हैं। कहते हैं कि इसी गुफा के अंदर गुरु गोरखनाथ जी ने कठोर तपस्या कर 66,000 मंत्रों को सिद्ध किया था, और उनकी प्रथा को आज भी साधु संत पूरा करते आ रहे हैं। यानी कि इस गुफा में
आज भी साधु संत मंत्रों की सिद्धि करते आ रहे हैं। ये सामने आप एक साधु को देख सकते हैं। जब हमने इनसे बात करी तो इन्होंने अपनी उम्र 18 साल की बताई। झिलमिल गुफा एक जंगल में है, बिल्कुल शांत वातावरण है यहाँ आकर, इसलिए यह जगह तपस्या के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पहले यहाँ पर सप्त ऋषि ने भी तपस्या करी थी, बाबा गोरखनाथ ने भी तपस्या करी थी और बाद में मिलमिल बाबा ने भी इस गुफा में कई सालों तक तपस्या करी थी, जिसके नाम पर झिलमिल गुफा का नाम रखा गया था। इस गुफा में आज भी गुरु गोरखनाथ का धुना मौजूद है। जब हमने यहाँ के महंत बाबा मुकेश गिरी महाराज जी से बात करी तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर बहुत महात्मा संत तपस्या करके जा चुके हैं। 12 साल यहाँ पर एक जर्मनी की लेडी भी तपस्या करके गई है, और तो और अमेरिका और थाईलैंड से भी यहाँ पर काफी लोग आते रहते हैं और काफी दिनों तक तपस्या करके जाते हैं। इस गुफा के अंदर आप सबसे पहले नीचे की ओर मिलमिल बाबा की प्रतिमा को देख सकते हैं। ठीक इनकी प्रतिमा के सामने ही अखंड धुना है, जिसमें यज्ञ वगैरह चलता रहता है। इन सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर चलने के बाद यहाँ पर भोले बाबा की प्रतिमा है, और इस प्रतिमा के आसपास कुछ नाग देवता भी बने हुए हैं। थोड़ा और ऊपर चलने के बाद टॉप पर बाबा गोरखनाथ जी की प्रतिमा है। यहाँ पर एक ज्योत हमेशा जलती रहती है। ठीक इस गुफा के बीचों बीच आपको एक बड़ा सा गोलाकार छेद दिखाई देगा। यहाँ से इस गुफा में रोशनी आती है। प्रकृति में बसा यह स्थान अपने आप में ही धार्मिक ऊर्जा का स्रोत है। कहते हैं कि बाबा ने स्वयं यहाँ पर पानी निकाला था, जिसको आज गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उसी पानी को आज भी आसपास के गांव वाले लोग पीने के लिए यूज करते हैं। इस गुफा के आसपास में ही महात्मा लोगों ने काफी जड़ी बूटियों के पेड़ भी लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि इस गुफा में शुगर की आयुर्वेदिक दवाई यहाँ पर मिलती है, जिसको यहाँ के बाबा स्वयं जड़ी बूटी से बनाते हैं। काफी दूर दूर से आने वाले यात्रियों को जब पता लगता है कि यहाँ पर आयुर्वेदिक औषधियाँ भी मिलती है, तो यात्री यहाँ से दवाइयाँ लेकर जाते हैं। यहाँ के बाबा का कहना है कि जो भी शुगर के मरीज है, वो एक महीने तक यहाँ की औषधियाँ दवाई खाए और हमेशा के लिए शुगर से छुटकारा पाए। चलिए अब इस गुफा के पास में ही कुछ ऐसे स्थान भी है जहाँ पर साधु संत गुफा के अंदर बैठकर मंत्रों को सिद्ध करते हैं या अपनी तपस्या करते हैं। यहाँ पर एक हनुमान जी की गुफा भी है। आप देख सकते हैं इस गुफा के अंदर एक हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा स्थापित की गई है, और पास में ही एक गुफा ये भी है। इस समय यहाँ पर एक साधु अपनी साधना में नील है। दोस्तों, हम इतनी दूर आकर आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, ताकि हम और भी आपके लिए कुछ इसी तरह की वीडियो बनाएं। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम आपको झिलमिल गुफा से गणेश गुफा लेकर जाएंगे। गणेश भगवान वहां पर स्वयं प्रकट हुए थे, तो अगली वीडियो में आप गणेश गुफा के दर्शन करेंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।